छोटी बहू तू कैसी लड़की है बता तो, सब कुछ जानने के बाद भी देवर जी को राम मोहन रॉय के पास जाने दिया। उस अधर्मी आदमी ने ही देवर जी के मन में विष डाला था। भगवान की कृपा से और तेरे विश्वास से ही देवर जी सही रास्ते पर आए थे। इसके बाद भी तू अगर मेरे विश्वास में जोर है तो वो कभी दूसरी बात नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि राम मोहन रॉय बहुत बड़े ओहदे के आदमी हैं। वो लड़कियों के दुख तकलीफों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। सती प्रथा बंद करवाना चाहते हैं। मैं उनके साथ उन्हें मिलने जुलने से कैसे मना कर सकती हूँ दीदी? और मेरे मना करने से भी क्या, वो सुनेंगे क्यों? उन्होंने खुद विश्वास किया है कि देवता हर जगह है, पत्थर में भी है और मूर्ति में भी है। हालांकि राम मोहन रॉय मानते हैं कि इस तीर्थ यात्रा ने मुझे मोहित कर दिया है। कभी कभी माहौल और परिस्थिति मानसिक परिवर्तन लेकर आती है। ये सब बेकार की बातें करने के लिए इतनी देर से वहाँ बैठे थे और यहाँ हम लोग इंतजार कर रहे थे। भाभी वो सब जाने दीजिए, राम मोहन रॉय की संगत पाना भाग्य की बात है। और वहाँ नए व्यापार संबंधित बातें हो रही थी। पता है भाभी, आज बहुत दिनों के बाद दिल के अंदर से व्यापार बढ़ाने की इच्छा हुई। मैं कल ही राम मोहन बाबू के साथ इस बारे में बात करूंगा। पिताजी, तेरा गांव छोड़ के हम कहां जाएंगे? हमारे साथ रघुवीर हैं बेटा, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता है, ना ही पता करना है। आपको क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, रघुवीर जी तो है ना, वो जरूर किसी ना किसी को भेजेंगे। भैया, सुखलाल भैया ने आदमी भेजे है। कमर पकुर से? हाँ दादा, उन्होंने कहा है आप बिना कुछ सोचे समझे ही अभी कमलापुर चले जाइए। क्या करेंगे दादा? वहीं रहेंगे हम लोग, वहीं हम अपना जीवन बिताएंगे। इतना जोर देकर तू कैसे कह सकता है राम? पता नहीं पिताजी, लेकिन मेरा दिल कह रहा है ऐसा ही होगा। लेकिन भैया, इस समय सुखलाल भैया के घर में शरण लेने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। उपाय तो ऊपर वाला निकालता है, लेकिन निधि राम, सुखलाल मेरा बहुत पुराना दोस्त है। ऐसी मुसीबत के समय मुझे बुलाया है, उसको मदद के लिए मना करना उचित नहीं होगा। चंद्रा, ओ चंद्रा, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? आप जो चाहेंगे वही होगा। इस तरह से टूटो मत चंद्रा, ये सब ईश्वर की परीक्षा है। अगर जीवन हमेशा सुख में ही कटता तो क्या हम लोग ईश्वर को पुकारते? ये देखो ना, इस समय हम सब मिलके रघुवीर को पुकारने के लिए मजबूर हैं, रघुवीर पर निर्भर हैं। इससे पहले क्या कभी निर्भर थे? नहीं थे। इसीलिए कह रहा हूं चंद्रा, सब कुछ रघुवीर के चरणों में अर्पित कर दो, देखना शांति मिलेगी। दादा, हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग अपने ससुराल चले जाएंगे। सुखलाल दादा के घर में सब मिलके रहना तो संभव नहीं हो पाएगा। आप लोग जाइए और वैसे भी मेरी बीवी और बच्चे वो वहां पर ससुराल में ही तो है ना। जब घर जमीन ही चली गई तो अब यहां रहकर क्या करेंगे? समझ गया, ये भी शायद रघुवीर की इच्छा है।
रघुवीर इस घर के सारे बंधन धीरे धीरे करके अलग कर रहे हैं। सारे जानती नहीं, नहीं जानती कि मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है कि मेरा भाग्य बदल गया। नहीं पता मुझे कातू बेटा, कातू कहाँ चली गई? चाटू जी मुझे माफ कर देना। देखो तुम्हारे जितना साहस मुझ में नहीं है। जमींदार के दबाव में आके मैंने झूठ कहा था। हाँ खुदीराम भैया, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। अब क्या कर सकते हैं, तुम लोगों को गांव में शरण देने का कोई उपाय भी नहीं बचा। आपने सब कुछ खो दिया सिर्फ सच बोलने की वजह से। क्यों पंडित जी, क्यों अपना सर्वनाश किया आपने? क्यों अपना सर्वनाश किया? रो मत। रघुवीर के मन में क्या है ये तो रघुवीर को ही पता है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात पता है। जिन लोगों को उनके चरणों में शरण मिली है उनके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है, और उनकी कभी हार भी नहीं हुई। कभी नहीं। जय रघुवीर, जय रघुवीर। होना क्या है, कमलापुर में जाके हम लोग को बहुत कुछ मिलने वाला है। रघुवीर जी है ना, वहाँ तो मेरा छोटा भाई जन्म लेगा, मुझे तो पता है। राम, क्या कर रहे हो तुम यहाँ आकर? राम, अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं। मुझे पता भी नहीं है कि सारे काम कब तक पूरे होंगे। पता नहीं क्या क्या काम बाकी है राम। अब देरी मत करो बेटा, चलो चलो काम कर लो। चलो चलो बेटा, चलो। तुम लोग डर क्यों रहे हो? मैं तो तुम लोगों के पास ही आऊंगा। उसकी तैयारी करनी पड़ेगी ना, कमरपुकुर में तो जाना ही पड़ेगा। मैं तो कब से वहाँ जाने का इंतजार कर रहा हूँ। छोटी बहू, देवर जी अभी तक आ क्यों नहीं रहे हैं? फिर से उनका दिमाग बिगड़ गया है क्या? जनार्दन जी की आरती हो रही है, देवर जी को छोड़ के सारे लोग यहाँ पर हैं। डर लगता है मुझे तो, फिर से उन लोगों से मिलने ना चले गए हो। तू उन्हें जाने क्यों देती है बता? उनके साथ ही बहुत नामचीन लोग हैं दीदी, वो लोग उनका दिमाग क्यों बिगाड़ेंगे? जरूर उन्हें तैयार होने में समय लग रहा है। पूजा, घर में इतनी बातें क्यों कर रहे हो? बात मत करो। गलती हो गई दादी माँ, और बातें नहीं करूंगी। ये देखिए मुंह पर उंगली रखी है, बिल्कुल चुप। हमारे समय ऐसा होने से तो बुआ जी कितनी बार हमारे बाल खींच लेती थी, और इन बहुओं के मामले में चुप।
बुरा मत मानना, बहुत ज्यादा छूट दी है इन्हें। मेरी बहू अगर ऐसा करती तो मैं उसे सबक सिखा देती। छोटी, हमारा समय अलग था, यहाँ सब नियम कानून बदल रहे हैं, और ये भी सही है। आ, छोटों ने चुप किया तो तुम लोग शुरू हो गए। पूजा घर में बात नहीं करनी चाहिए, चुपचाप नहीं रह सकती हो। पंडित जी, अब शांति जल छिड़केंगे? हाँ बेटी, शांति जल। चंद्र दिखाई नहीं दे रहा, जुगी भी नहीं दिख रही। जा तो बाहर जाकर देख, जा। शांति का जल पैर पर नहीं गिरना चाहिए, पैर ढक लीजिएगा। कर देती हूँ। नहीं नहीं मेरी सोना छोटी बहू, तुम्हें तेल मालिश करने की जरूरत नहीं। छोड़ो छोड़ो, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में खुद से तेल मालिश कर लूंगी। बाहर पूजा चल रही है, वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम वहाँ जाओ छोटी बहू, वहाँ जाओ। असल में कुछ दिनों से पैर की नस में इतना दर्द हो रहा है, पैर इतना दर्द कर रहा है, ठीक से चल फिर भी नहीं पा रही हूँ, पता है? और आपने किसी को कुछ नहीं बताया है? चुपचाप दर्द सहन कर रही हैं आप, मुझे तो मालिश करने के लिए कह सकती थी। खुद से कोई मालिश करता है क्या? मेरी छोटी बहू बहुत समझदार बन गई है। बिल्कुल समझदार बहू बन गई है मेरी छोटी बहू। कैसे बेटी की तरह अपनी सास को डांट रही है। असल में क्या है ना छोटी बहू, बाहर पूजा के काम में सब लोग व्यस्त हैं,
अभी खुद की सेवा करवाने के लिए उनको कैसे बुला लूं बताओ तो। घर में कोई और नौकर चाकर नहीं है क्या? सुबाला दीदी तो है ना? सुबाला तो अपने गांव में जाने के लिए तैयार हो रही है, अभी उसको कैसे बुला लूं? देखो छोटी बहू, सुबाला ने जिस लड़की को यहाँ रखने की बाकी है वो लड़की भी नहीं आई। जब सुबाला यहाँ नहीं होगी इतने बड़े घर गृहस्थी का काम कैसे हो पाएगा? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। ये सब के बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए, अभी तो हम सब आ गए हैं, कोई समस्या नहीं होगी। माल के ना आऊं। सुबाला आजा, अंदर आजा। देख तुम लोगों की छोटी बहू कैसे मेरी सेवा कर रही है, अपने हाथों से मेरे पैरों में तेल मालिश कर रही है। मालकिन, मैं जरा बाहर गई थी, इस मालती को लाने गई थी। असल में ये मेरे गांव की लड़की है, इस शहर के रास्ते पहचानती नहीं है। गांव की लड़की? तूने तो कहा था कि ये तेरी भांजी है। हाँ, ऐसा ही रिश्ता है। क्यों रे मालती, चुपचाप खड़ी क्यों है? जा, जाके मालकिन को प्रणाम कर। बस बेटा, बस बस ठीक है। माँ, थोड़ा आराम मिला क्या आपको? हाँ छोटी बहू, अभी जरा आराम मिला है। सुनो छोटी बहू, तुम जाओ और शांति का जल ले लो। हाँ माँ, मैं जाती हूँ, लेकिन आप मत जाइए। हाँ, मैं पंडित जी को बोल देती हूँ, इस कमरे में आके आपको शांति का जल दे जाएंगे। मेरी प्यारी छोटी बहू, ऐसा ही होगा, जाओ। हाँ। सुबाला, इधर सुन जरा। जी। मैं कह रही हूँ, इस लड़की का नाम क्या बताया तूने? जी, मालती। हाँ मालती, मैं कह रही हूँ मालती को अच्छी तरह से इस घर का काम सब समझा देना, ठीक है? और संदूक से बाकी गहने निकाल ले, हल्दी पानी में अभी भिगा दे। उस दिन तो सारे गहने हल्दी पानी में भिगा नहीं पाए थे, याद है ना वो बात? जी मालकिन। और जाने से पहले सारी चाबियां मालती को अच्छी तरह से समझा के जाना। अच्छा सुनो लड़की, मैं कह रही हूँ ये इतने बड़े महल का काम काज तुम देखभाल करके ठीक से कर पाओगी ना? इससे पहले किसी घर में काम किया है क्या तुमने? हाँ, किया तो था एक बार। सुनो बेटी, एक बात कह देती हूँ, ये ऐसा वैसा महल नहीं है, ये दास महल है। इस महल का एक सम्मान है, देखो ऐसा कुछ मत करना जिससे इस महल के सम्मान पर आंच आए। आप कुछ मत सोचिए मालकिन, मैं हूँ ना, मैं इसे खुद सब कुछ सिखा दूंगी। कीर्तन होगा क्या माँ जी? आप सब बहुत शुभ दिन पर आए हो, इसी दिन हमारे घर में जनार्दन जी प्रतिष्ठित हुए थे। अरे वैष्णवी दीदी, आप लोग यहाँ पर इस तरफ नाम कीर्तन करने आई थी क्या? ओ माँ, छोटी बहू तू इन्हें पहचानती है? हाँ दादी माँ, ये सब मेरे गांव के लोग हैं। तो फिर और देर किस बात की, सबको बुला, भजन कीर्तन होने दे। दामाद जी को भी बुला ले रानी, आज तुम दोनों के लिए ही हम गाना गाएंगे। जय राधे, जय गुरु, जय निताई। आप लोग इंतजार कीजिए, जा बहू दान लेकर आ।